कामयाबी और नाकामयाबी में सिर्फ ना का फर्क होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ आईसीटी यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 8 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, यूसेट या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो ये सत्र आपके काम का है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इस वीडियो को देखने का वास्तविक फायदा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति यानी स्पीड को सूचीबद्ध करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है, समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मैन मेमोरी यानी रैम और सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैन मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। तो सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मैन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशंस। पॉज करके देखिए कि 2.4 जो वेब है उसके अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है, वेब यानी वेबसाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है वेब 2.0 का अनुप्रयोग, यानी वेब 2.0 एप्लीकेशंस आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलिब्रेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यानी विद रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन ए पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन ए डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज्ड पब्लिकेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसे? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है, इसे कहते हैं मेल मर्ज। तो मेल मर्ज आपने सुना होगा, ये वर्ड में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को मेल मर्ज कहते हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख रहे होते हैं, एमएस वर्ड को सीख रहे होते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज का, जिसमें आप कईयों को मेल यानी एक संदेश भेज सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मेल मर्ज। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है, डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? डीवीडी टेक्नोलॉजी यूसेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। डीवीडी इज एन एक्रोनियम फॉर। तो
ड्यूटी परिवर्णी किसके लिए है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तो ड्यूटी का पूर्ण रूप क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए सीडी रोम इज नोन एज। सीडी रोम में जब आप फाइल को कॉपी करते हैं उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, बर्निंग, जिम्पिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है, इसे कहते हैं बर्निंग। तो जब आप सीडी बनाते हैं, सीडी में किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो उसे कहते हैं बर्निंग। यदि आपने कभी सीडी तैयार की है तो बर्निंग करते हैं, ऑप्शन आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पूछा गया था, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है, एन अनसोलिसाइटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिपियंट्स एट वंस इज ए। अर्थात कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहते हैं, अनसोलिसाइटेड जो ईमेल होते हैं जो कई लोगों को प्राप्त या भेजा गया होता है उसे क्या कहा जाता है, वार में वायरस, थ्रेट या स्पाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इसे कहता है स्पाम। तो स्पाम मेल आपने सुना होगा, जब आप अपना मेल खोलते हो तो उसमें आपको कई स्पाम मेल आए होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिन्हें आप नहीं चाहते लेकिन वो तब भी आते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है, इंग्लिश में देखते हैं, इज ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी डेट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। इसे क्या कहते हैं, आप आराम से दे सकते हैं जवाब कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसे कहते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रोम मेमोरी सेक्रेटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है, समझ गया। तो रोम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सेक्रेटरी डेट होल्ड्स द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के प्रश्न की तैयारी कर लीजिए, ये क्वेश्चन पहले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूसेट, यूजीसी नेट, इस प्रकार के जो उच्च शिक्षा से संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, ASCII एक करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो वैयक्तिक कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न करेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की बोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एक्रोनिम यानी परिवर्णी है, एक्रोनिम यानी उसका फुल फॉर्म, ASCII का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है कुल मिलाकर। तो ASCII इज ए करेक्टर एनकोडिंग स्कीम डेट इज एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस करेक्टर नंबर एंड कंट्रोल कीज डेट द कंप्यूटर यूजर सेलेक्ट ऑन द कीबोर्ड। ASCII इज एन एक्रोनिम फॉर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो ASCII का जो एक्रोनिम है यानी परिवर्णी है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आज के इस सत्र में हमने कुल हल किए 8 क्वेश्चन जो कि हमने बायलिंगुअल यहाँ पर डिस्कस किए। ये क्वेश्चन पहले यूसेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इस प्रकार के कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जिनको मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर दिया। ये आपको ICT से संबंधित
सेक्शन को कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अवश्य ही कमेंट और शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।